आज तो घर जाके वीडियो गेम खेलूंगा। अभिमन्यु रॉनी, इस साल तो अभिमन्यु ने पेच लड़ाने से पहले ही तुम्हारी पतंग काट दी। मैं कुछ समझा नहीं। समझने के लिए कुछ बचाए कहा है, पतंग तो पहले ही फट गई। तुम ज्यादा उड़ो मत अभिमन्यु, कितना भी उड़ लो, कोशिश कर लो, तुम्हारी पतंग को तो मैं धूल चटवा कर ही रहूंगा। हर साल काइट फेस्टिवल में भले ही तुमने मेरी पतंग काटी हो, लेकिन आज आसमान में सिर्फ मेरी पतंग उड़ेगी। पतंग काइट फेस्टिवल, इंटरेस्टिंग। ये ह्यूमन भी ना खुद तो नहीं उड़ सकते, तो पतंग उड़ाकर खुश हो जाते हैं। लगता है आज पतंग उड़ाने का दिन है। पतंग उड़ाने से डरता थोड़ी हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा अभिमन्यु। लेकिन पतंग कहाँ से लाऊं? हाँ तो मैं डरता थोड़ी हूँ, अभी उतरता हूँ मैदान में। ये लॉकर बंद नहीं हो रहा, इसके चिप का एक हिस्सा मिल ही नहीं रहा, और लॉकर का अलार्म बजते बजते मेरा सर बजने लगा है। ये लॉकर तो कुछ देखा हुआ लगता है। पता है इसकी चिप कहाँ है? मुझे लगता है शायद मैं गलती से अपने सामान में अर्थ पे इसकी चिप का दूसरा हिस्सा ले आया। अरे ये रही। अभिमन्यु, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है पता भी है तुम्हें? इससे छुटकारा पाने के लिए अब मुझे नीचे आना होगा। नहीं नहीं सुप्रीमो, आज यहाँ आने का रिस्क मत लो। क्यों? आज कौन निकल पड़ा है एलियंस को ढूंढने? अरे एलियंस नहीं, आज सब ह्यूमंस की नजर आसमान की तरफ है, क्योंकि आज काइट फेस्टिवल है, और उस वजह से मुझे स्पेसशिप में टॉर्चर होना होगा। नहीं नहीं, मुझे चिप चाहिए। मुझसे गलती हुई है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। आप नीचे मत आओ, लेकिन चिप आप तक ऊपर मैं ले आऊंगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर चिप के बिना मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इस मुसीबत को तुम कैसे ठीक करोगे अभिमन्यु? तुम बिना स्पेसशिप के उड़ते हुए सुप्रीमो तक जाओगे? हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही है। मगर कैसे? पतंग बनकर, और मेरी डोर होगी तुम्हारे हाथों में। उड़ने का टाइम आ गया। ये रॉनी के चक्कर में जोकर गिरी करनी पड़ती है। क्या लगा रखा है, एक पतंग को ढंग से नहीं उड़ा पा रहे हो। इतनी पतंग देखकर तो आज हवा भी गुल हो गई। शायद पतंग का मूड नहीं है आज उड़ने का। तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ पतंग कैसे उड़ाते हैं। बड़ा बोल रहा था, अब हो गई टाइटर पिच। अरे अरे अरे, ये हवा, अरे कोई बचाओ। बड़ा आया चैंपियन, खुद पतंग की तरह उड़ गया। हाँ, अब मैं उड़ चला, अब नहीं होगा कोई घोटाला। देखो तो ये पतंग उड़ा कौन रहा है। अच्छा तो इस साल अभिमन्यु डर के बैठ गया है और आर्या को आगे कर दिया है, पर रॉनी किसी से डरता नहीं। क्या तुम दोनों हवा का बहाना बना रहे हो? आर्या की पतंग को देखो, उसे कोई एलियन उड़ा रहा है क्या? ओह वाह, ऐसी अनोखी पतंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो क्या हुआ, कोई कितनी भी अनोखी पतंग लेकर क्यों ना आ जाए, मैं उसे काट कर ही रहूंगा। चलो अब ज्यादा उड़ो मत और पतंग उड़ाओ। आज पहली बार अर्थ पर खुले में एलियन बनकर घूम रहा हूँ। वाओ, व्हाट अ फीलिंग। ओहो, देखो देखो ये कौन आया। Huh?
ओह नो, इतना जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं, अभिमन्यु को मैदान में अकेला देखकर पंगे लेने आ गया। थैंक यू। अब कौन है? अभिमन्यु, अब ये टाइम पास बंद करो, सुप्रीमो वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। चैन से खुले में सांस लेने भी नहीं देगी। हाँ आर्या, हाँ। अरे उस पतंग को देखो। वाओ, क्या हटके पतंग है ना। चलो चलो इसे काटते हैं। ओहो, जल्दी से सुप्रीमो के पास पहुँचता हूँ। अरे ये क्या हमला। इन पतंगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, मुझे काटने की कोशिश। अब देखो अभिमन्यु के जैप का कमाल। हाँ, उड़ती पतंग बनी कटी पतंग, मजा आया। मेरी पतंग को टच भी नहीं कर पाएगी ये आर्या। अब ये कौन नया आया मैदान में? मांझा तो कट गया, लेकिन पतंग अभी भी उड़ रहे। अभिमन्यु, हीरो बन के सबकी पतंग काटने चले थे, रॉनी ने तुम्हारा ही मांझा काट दिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ? जब तुम बेफिक्र होके हवा में लहरा रहे थे। अब तुम ऐसे हवा में लटक नहीं सकते, वरना रॉनी को शक हो जाएगा। कुछ भी करके नीचे आ जाओ, जल्दी। ओफो, ये ह्यूमंस मुझे ऊंची उड़ान भरने ही नहीं देंगे। अब तो कटी पतंग की तरह ही गिरना पड़ेगा। ये मेरी पतंग है। तुम्हारी पतंग थी, अब ये मेरी है। क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता? जो पतंग काटता है ना, पतंग उसकी हो जाती है। Exactly, मैंने इसे जमीन पर लाया है, अब ये मेरी, और वैसे भी मैं इसके पास पहले पहुंचा। ये होमवर्क तो मैंने किया ही नहीं। ह्यूमंस कई के किसी भी चीज पर अपना कब्जा कर लेते हैं। बॉनी, कटी हुई पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। पतंग उड़ाने चला था, मैं ही उड़ गया। ये पतंग है या पत्थर, देख क्या रहे हो, खींचो इसे। अभी के लिए अभिमन्यु से कहती हूँ उन्हें संभाल ले, बाद में इनसे निपट लूंगी। ओके। अरे वाह, अब मजा आएगा। इस अनोखी पतंग को उड़ाने में बहुत मजा आएगा। चलो पतंग उड़ाओ। ऐसा उड़ूंगा कि पतंग उड़ाना भूल जाओगे। यहाँ पकड़ो इसे। रॉनी घोटाला आला रे आला। अरे नहीं, रोको। अरे हंस क्या रहे हो, पकड़ो मुझे, ये पतंग तो मुझे ही खींच कर ले जा रही है। क्यों जूनियर घोटाला, देखा अभिमन्यु ने कैसे घुमा डाला। अभिमन्यु, पतंग बनकर उड़ना बंद करो और सुप्रीमो के पास जाओ, इमरजेंसी है। उस स्पेसशिप को लॉक करके वो अर्थ पर आए, उससे पहले तुम चिप लेकर वहाँ पर पहुँच जाओ। मैं तो उड़ जाऊँगा सुप्रीमो के पास, पर आर्या तुम्हें इन ह्यूमंस को जमीन पर रखना होगा। वाह, क्या ढील दी है रॉनी। आखिर पतंग की डोर किसके हाथ में है? पतंग की डोर मेरे हाथ में है या मेरी डोर पतंग के हाथ में? अरे ये कैसी पतंग है, उड़ाने वाले को भी उड़ाती है। पकड़ो मुझे, लगता है मुझे ही बचाना होगा। ये जो मेरे साथ उड़ रहे हैं
उन्हें मैं अभी जमीन पर छोड़ दूंगा, बाकी तुम संभाल लेना। तो क्या हम पतंग के साथ आसमान में चले जाएंगे, फिर स्कूल कैसे जाएंगे? अरे स्कूल की छोड़ो, हम घर कैसे जाएंगे? अरे घर का छोड़ो, हम खाना कैसे खाएंगे? मेरे पतंग को धूल चटाने वाले थे, धूल तो इन्होंने ही चाट ली। अब अभिमन्यु कुछ गड़बड़ ना करे। बाल बाल बच गए, नहीं तो हम भी एलियन की तरह स्पेस में पहुंच जाते। बस अब और नहीं। ये शोर और ऊपर से डोर की खटखट। अभिमन्यु तुम यहाँ ऐसे? यस सुप्रीमो, आपकी स्पेशल होम डिलीवरी लेकर आया हूँ। फाइनली मुझे इस शोर से छुटकारा मिलेगा, पर तुम यहाँ आए कैसे? आप पहले नॉइस कैंसिल कीजिए, मैं अर्थ पर अपना काम करता हूँ। फाइनली ये आवाज बंद हो गई। अभिमन्यु यू आर टू गुड। अच्छा हुआ वो पतंग चली गई। हेलो फ्रेंड्स, किसी ने मुझे याद किया? अरे नहीं, ये काइट फिर से वापस आ गई। भागो।